पिछली क्लास में बेटा हमने पढ़ा था सब न्यूट्रॉनिक पढ़ा था ना, अब आगे पढ़ते हैं हम दर्पण नाभिक पढ़ते हैं बेटा। दर्पण नाभिक या इसका एक नाम और है प्रतीप नाभिक। ठीक है, मिरर न्यूक्लियस या न्यूक्लियाई बोलते हैं इसको, दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक। ये क्या होते हैं देखो, इन नाभिकों में क्या होगा, द्रव्यमान संख्या समान होगी। ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात इसमें ये कि प्रोटॉन और तथा न्यूट्रॉन परस्पर परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परस्पर क्या हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ये संख्याएं परस्पर बदल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तीन लिथियम सात और चार बेरिलियम सात, ये दोनों जो है ना कैसे नाभिक हैं देखो, इनको हम कहते हैं दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक। कैसे हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या दोनों की कितनी है, द्रव्यमान संख्या दोनों की सात है। अब इसमें प्रोटॉन देखो कितने हैं, तीन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, सात माइनस तीन चार। इसमें प्रोटॉन कितने हैं, चार, और न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, तीन है। तो एक के प्रोटॉन दूसरे के न्यूट्रॉन, समझ गए ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परस्पर क्या हो जाती है, बदल जाती है, आपस में इंटरचेंज हो जाती है। एक में जो प्रोटॉन है दूसरे में उतने, और एक में जितने न्यूट्रॉन है दूसरे में उतने, और द्रव्यमान संख्या क्या हो दोनों की, ऐसे नाभिक क्या कहलाते हैं, दर्पण नाभिक या प्रतीप नाभिक। समझ गए, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कौन कौन से हो गए यार, समस्थानिक हो गए ना, समबारिक, समझो एक रह गए यार, और समअवयवी, समअवयवी रह गए। आइसोमर्स कहते हैं बेटा इनको, आइसोमर्स क्या होते हैं देखो, जिनमें ए तथा जेड समान हो, ए तथा जेड क्या हो, समान हो, ठीक है। दो नाभिक हैं, दोनों की एक की मान समान है और दोनों में जेड का मान समान है। अब जेड का मान समान होने का मतलब क्या है, वो नाभिक सेम है ना, वो नाभिक क्या है, सेम हो गए, नहीं समझे क्या। जैसे हम लिखते हैं ना जेड एक्स ए, ये एक नाभिक है, तो दूसरा नाभिक भी क्या होगा, जेड एक्स ए ही होगा। इसको दो बार क्यों लिखा फिर, इनमें अंतर किस चीज़ का होगा, इनमें अंतर होगा जैसे अर्ध आयु इनकी अलग अलग हो, ठीक है, रेडियो एक्टिव छह का गुण अलग अलग हो,
तो ऐसे नाभिकों को हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं या फिर समअवयवी कहते हैं। अब समअवयवी को हम कैसे दर्शाएंगे, दोनों को जेड एक्स ऐसे नहीं लिखेंगे, एक के ऊपर क्या लगा देंगे हम, स्टार लगा देंगे, एक के ऊपर क्या लगा देते हैं हम, स्टार लगाकर उसको दर्शाते हैं। तो ऐसे जो नाभिक है ना, इनको हम क्या कहते हैं, समअवयवी नाभिक कहते हैं। क्लियर है सभी को, जेड और ए तो समान होता है, जेड और ए तो समान होता है, परंतु कुछ गुण जो है इनके, जैसे अर्धायुकाल है इनका या रेडियो एक्टिव क्षयता जो है वो इनकी क्या होती है, अलग अलग होती है, या फिर इनमें जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अवस्थाएं हैं अवस्थाएं कह दो, या इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर वो कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, ये क्वालिटीज जिनमें होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम समअवयवी कहते हैं या फिर आइसोमर्स कहते हैं। क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, नाभिक का अमाप। ठीक है, अमाप का मीनिंग क्या होता है बेटा, साइज, साइज ऑफ न्यूक्लियस, कि नाभिक का अमाप कितना है। देखिए नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं बेटा, सभी को पता है ना, और इनको हम संयुक्त रूप से क्या लिखते हैं, न्यूक्लियॉन्स लिखते हैं हम। न्यूक्लियॉन्स का मतलब नाभिक में पाए जाने वाले कण, जो कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, वो मूल कण नहीं है। मूल कण क्यों नहीं है, क्योंकि ये अन्य कणों से मिलकर बनते हैं, है ना। वैज्ञानिक गैलमान ने क्या बताया था, कि ये किन से मिलकर बनते हैं, क्वार्क से मिलकर बनते हैं। दो क्वार्क्स होते हैं, एक यू क्वार्क्स और एक उनसे मिलकर ये बनते हैं, यू यू डी और एक होता है डी डी यू, समझ गए ना। यू यू डी तो कौन है, यू यू डी प्रोटॉन है, ये होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर जो आवेश है वो प्लस ई होता है, ठीक है ना। और यू जो क्वार्क्स है ना, अपरी क्वार्क्स, अपर क्वार्क्स, इस पर आवेश, और डी डाउन जो क्वार्क्स है इस पर आवेश माइनस एक बटा तीन, तो यू पर यानी दो बटा तीन ई, प्लस दो बटा तीन ई और माइनस एक बटा तीन ई, तो टोटल आवेश कितना हो गया, तीन एलसीएम आ गया, दो और दो चार ई माइनस ई, तीन बटा तीन ई, यानी कि यू यू डी जो है ना वो किसके बराबर है, दो ऊपरी क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स, अपर क्वार्क्स और दो अपर और एक डाउन मिलकर क्या बनाते हैं, एक। तो प्रोटॉन इन से मिलकर बना है, इसलिए मूल कण नहीं है, ठीक है। और ये जो कण है ना क्वार्क्स, ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते हैं, समझ गया ना, इसीलिए हम क्या कहते हैं, आवेश क्वांटीकृत है। अगर ये स्वतंत्र रूप से मिलते हैं ना, तब आवेश क्वांटीकृत नहीं होता, स्वतंत्र नहीं है ये केवल कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में। और न्यूट्रॉन जो है वो दो डी और एक यू से बनता है, ठीक है ना, दो डी और एक यू क्वार्क्स मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रॉन, यानी कि माइनस एक बटा तीन ई, माइनस एक बटा तीन ई और प्लस दो बटा तीन ई, टोटल आवेश जीरो हो गया। इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कैसा कण है, मूल कण है वो, क्योंकि वो अन्य कणों से मिलकर नहीं बनता है। अब हमें नाभिक का आकार पढ़ना है बेटा, नाभिक का साइज क्या है, ठीक है ना, नाभिक का साइज। देखो परमाणु का जो आकार है ना, वो नाभिक के आकार से कुछ
क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि परमाणु के अंदर कौन है? नाभिक है, ठीक है ना। पर इस टॉपिक में कुछ कंट्रावर्सी तो है बेटा, क्योंकि एक्चुअल जो साइज है वो नहीं बताया जा सकता, नाभिक का जो एक्चुअल साइज है वो नहीं बताया जा सकता। फिर भी नाभिक के साइज को बताने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, नाभिक के साइज के बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। एक एक्सपेरिमेंट है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने इलेवंथ में, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। और एक्चुअल में तो ये गाइगर और मार्सडेन ने दिया था, गाइगर तथा मार्सडेन ने दिया था, इनके गुरु थे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड के शिष्य कौन थे? गाइगर और मार्सडेन ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? पर इसको हम गाइगर मार्सडेन का प्रयोग नहीं कहते हैं, इसको हम रदरफोर्ड का ही अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं, ठीक है। गाइगर और मार्सडेन ने क्या किया कि एक स्वर्ण की पन्नी ली, सोने की पन्नी, ठीक है ना, जिसकी साइज परमाणुवीय आकार की थी, उसकी जो थिकनेस थी वो उतनी ही थी जितना कि एक परमाणु का आकार होता है, मतलब काफ़ी पतली पन्नी थी वो। उसके ऊपर किसकी बौछार की? अल्फा कणों की बौछार की। तो गाइगर और मार्सडेन ने ये पाया कि अधिकांश जो अल्फा कण है ना वो सीधे निकल जाते हैं, इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, ठीक है। और लगभग 10 लाख में से एक अल्फा कण ऐसा होता है जो वापस उसी मार्ग पर लौट आता है, है ना। तो वापस उसी मार्ग पर लौट आया मतलब अल्फा कण धनावेशित कण है, ये नाभिक के पास गया और वापस लौट के आ गया। इस आधार पर ये जो अल्फा कण था ना, अल्फा कण की जो एनर्जी थी वो कितनी ली थी उन्होंने? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस एनर्जी के अल्फा कण थे, ठीक है। और नाभिक के न्यूनतम पहुंच की जो दूरी थी वो 4×10⁻¹⁴ मीटर थी, नाभिक के न्यूनतम पहुंच की दूरी। जैसे ये नाभिक है तो अल्फा कण इसके पास गया और लगभग यहाँ से आ गया इसे, मेरी बात समझ गए ना यार, क्योंकि दोनों के बीच क्या हुआ, इसलिए अल्फा कण को हम ये नहीं बोलेंगे कि वो इसको स्पर्श करता है, समझ गए ना मेरी बात, वो इसके पास से ही वापस मुड़ जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये तो नगण्य है। तो नाभिक का जो साइज है ना वो लगभग ये मान लिया कितना, 4×10⁻¹⁴ मीटर, 4×10⁻¹⁴ मीटर, ये नाभिक का साइज यानी कि नाभिक की त्रिज्या मानी गाइगर मार्सडेन बोलो या रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ पाई। और जब अल्फा कणों की बौछार उन्होंने किसके ऊपर की थी? स्वर्ण पन्नी पर की थी, तो न्यूनतम पहुंच की दूरी कितनी थी? 4×10⁻¹⁴। और जब इन अल्फा कणों की बौछार एक सिल्वर पन्नी पर की तब न्यूनतम पहुंच की जो दूरी है वो 2×10⁻¹⁴ मीटर पाई गई। अल्फा कणों की एनर्जी कितनी थी? 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ गए ना, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अल्फा कण जब यूज होते हैं और अल्फा कणों की बौछार जब स्वर्ण गोल्ड फॉइल पर की जाती है तो निकटतम पहुंच की जो डिस्टेंस है वो 4×10⁻¹⁴ है। और जब स्वर्ण पन्नी के स्थान पर सिल्वर चांदी की पन्नी को लेते हैं तो निकटतम पहुंच की डिस्टेंस
दो गुणा दस की घात माइनस। अब इस एक्सपेरिमेंट को और भी कई तरीकों से किया गया। अल्फा कणों का स्थान बदला गया, अल्फा कणों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनों को यूज किया गया, न्यूट्रॉनों को यूज किया गया। समझ में आया ना बेटा, इलेक्ट्रॉनों को यूज किया गया, और क्योंकि अल्फा कण पॉजिटिव हैं, अल्फा कण कैसे हैं तो पॉजिटिव है, तो वो उसके पास से वापस आ जाता है। न्यूट्रॉन जो है वो कैसे हैं, निरावेशित हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हैं। तो निकटतम पहुंच की जो दूरी है वो और भी कम होने की संभावना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को फिर से दोहराया गया, किसके साथ, अल्फा कणों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन लेकर। जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन यूज किए गए उनकी जो एनर्जी थी वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। कितनी एनर्जी के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यूज किए गए, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन यूज किए गए, ठीक है। और नाभिक की जो रेडियस है उसका एक फॉर्मूला दिया गया, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या का एक फॉर्मूला दिया गया जो था R बराबर आर जीरो ए की घात 1/3, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद रखना बेटा, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, R बराबर आर जीरो ए की घात 1/3। ए तो यहाँ कौन है, ए तो यहाँ द्रव्यमान संख्या है, जबकि आर जीरो यहां पर एक कांस्टेंट है। आर जीरो कौन है, कांस्टेंट है, और आर जीरो की जो वैल्यू है वो 1.2 FM होती है, फर्मी, 1.2 फर्मी, या इसको हम कह सकते हैं आर जीरो की जो वैल्यू है 1.2 गुणा 10 की घात माइनस 15। ये जो फॉर्मूला है ना, R बराबर आर जीरो ए की घात 1/3, ये सभी नाभिकों के लिए लागू होता है, समझ गए ना। अब हम बात करते हैं नाभिक का आयतन, ठीक है, नाभिक का आयतन। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट किए गए ना उनके आधार पर ये बताया गया कि नाभिक की जो शेप है वो गोलाकार है, नाभिक की जो आकृति है वो कैसी है, परंतु कई समय पर ये दीर्घवृत्ताकार भी है, दीर्घवृत्तज भी है, ऐसा भी कहा जाता है। क्लियर ना सभी को, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। देखो जब एक्सपेरिमेंट में इनको कहते हैं अल्फा कण प्रकीर्णन, जब हम इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन हो जाएगा वो, जब हम न्यूट्रॉन को यूज करते हैं तो वो न्यूट्रॉन प्रकीर्णन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन से हमें जो अपना परमाणु है उसके अंदर आवेश वितरण कितना है इसका पता चलता है। इलेक्ट्रॉन वितरण से किस बात का पता चलता है, आवेश वितरण का पता चलता है, जबकि न्यूट्रॉन वितरण से द्रव्य न्यूट्रॉन प्रकीर्णन से, यानी कि जब हम न्यूट्रॉन की बौछार करते हैं तब हमें किस बात का पता चलता है कि परमाणु में किसका वितरण, द्रव्य का, कैसा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन से तो हमें पता चला आवेश वितरण का, और न्यूट्रॉन प्रकीर्णन से हमें किसका पता चलता है, द्रव्य वितरण का पता चलता है। क्लियर है सभी को। अब नाभिक का आयतन पढ़ते हैं हम। अगर हम नाभिक की जो शेप है, आकृति है, उसको गोलाकार मानते हैं, क्योंकि अधिकतर समय पर या ज़्यादातर जो एक्सपेरिमेंट है वो यही बताते हैं कि नाभिक का जो आकार है वो गोलाकार है, पर कई बार इसको दीर्घवृत्तज भी हम लेते हैं। तो आयतन क्या होगा, अगर नाभिक की रेडियस को हम कैपिटल आर माने, कि नाभिक की जो त्रिज्या है वो कितनी है, कैपिटल आर है, तो आयतन कितना होगा बता दीजिए, 4/3 पाई आर क्यूब, पर आर बराबर क्या है, आर जीरो ए की घात 1/3 है,
तो V किसके बराबर होगा, आयतन 4/3 पाई R नोट A की घात 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 4/3 पाई आर जीरो क्यूब, और इसका मतलब आयतन जो है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है, और अलग अलग नाभिक जो है उनकी द्रव्यमान संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है, है ना। द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, इसका मतलब आयतन भी अलग अलग होगा। समझ में आई या नहीं बात, समझ गए ना। देखो यहाँ से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि V1/V2 बराबर A1/, ऐसा लिख सकते हैं इसको, V1/V2 बराबर, मतलब जिस नाभिक की द्रव्यमान संख्या अधिक होगी, जिस नाभिक की द्रव्यमान संख्या उसका आयतन अधिक होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ गए सभी। अब हम बात करते हैं नाभिक के घनत्व की, नाभिक का घनत्व। देखिए घनत्व किसके बराबर होता है बताओ, द्रव्यमान बटा में आयतन, ये होता है घनत्व। तो द्रव्यमान बोलो कितना होगा, रो से लिख देता हूँ, द्रव्यमान को किससे लिखा, एल से लिख रहे हैं हम, द्रव्यमान संख्या को एल से लिख रहे हैं, और आयतन अपने पास पहले से है 4/3 पाई आर नोट क्यूब और ए, तो रो किसके बराबर आया, 1/4/3 पाई आर नोट क्यूब। समझ गए ना, इसका अर्थ क्या हुआ कि घनत्व ए पर निर्भर नहीं करता, घनत्व जो है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितने भी नाभिक हैं सब के लिए घनत्व क्या होगा, समान होगा, क्योंकि घनत्व तो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर, परंतु आयतन जो है ना वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। समझ में आया ना बेटा सभी को। अब एक छोटा सा प्रश्न करते हैं हम, जैसे मैं एक नाभिक के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा 13 एल्यूमिनियम 27, ये एक नाभिक है, 13 एल्यूमिनियम और 27, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, आसान सा प्रश्न है बेटा। तो नाभिक की त्रिज्या का फॉर्मूला हमें पता ही है, आर बराबर आर जीरो ए की घात 1/3। देखो आर जीरो की जो वैल्यू है ना वो कितनी है, 1.2 फर्मी है, फर्मी को फेम्टोमीटर भी कहते हैं बेटा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक फर्मी का अर्थ 10^-15 मीटर। तो मीटर में अगर बदलना है तो ऐसे बदल देंगे। अब R की वैल्यू ज्ञात कर लो कितनी हो जाएगी, 1.2 10^-15, और A का मान 27^, तो R बराबर 1.2 10^-15 और गुणा 3। घनमूल ले लिया इसका, 27 का घनमूल, क्यूब रूट है ये, तो R बराबर कितना हो गया, 12 × 3 = 36, ये लीजिए। तो एल्यूमिनियम नाभिक की जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी, 3.6 × 10^-15 मीटर। समझ में आ गया सभी को, ठीक है, आज के लिए इतना ही।